बिहार में तमाम कोशिशों के बाद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव खेला नहीं कर पाए। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये देखकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर दिया। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हां कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मांग की गई कि वोटिंग कराई जाए ताकि पता चल जाए कि सरकार के पक्ष में कितने विधायक हैं। इसके बाद वोटिंग कराई गई। हां के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े तो विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि विपक्ष के सभी विधायक सदन के बाहर चले गए थे। इसके साथ ही बिहार में अब एनडीए की सरकार बिना किसी दिक्कत के चलती रहेगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है, लेकिन एनडीए को इससे 7 ज्यादा 129 विधायकों का साथ मिला। इनमें बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 43 विधायक शामिल हैं। साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायकों ने भी एनडीए सरकार का साथ दिया। एक निर्दलीय विधायक ने भी नीतीश के पक्ष में वोट किया। वहीं आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए के पक्ष में वोटिंग की। महागठबंधन की बात करें तो उनके 112 विधायक सदन में मौजूद थे। इसमें आरजेडी के 76, कांग्रेस के 19 विधायक, लेफ्ट पार्टियों के 16 और एमआईएम का 1 विधायक शामिल है। आरजेडी के जिन 3 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया, उन्होंने सदन के अंदर वोटिंग से पहले ही अपनी सीट बदल ली। तीनों पहले ही सत्ता पक्ष के पाले में जाकर बैठ गए, जिसका तेजस्वी यादव ने विरोध किया। ये तीनों विधायक हैं नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमान्य माना जाता है। नीलम देवी आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। चेतन आनंद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं। छोटा भाई चेतन, जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम, और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग विश्वास मत से पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया गया। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को सरकार का विस्तार होगा, वहीं नंद किशोर यादव नए स्पीकर होंगे। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, वैसे ही आरजेडी विधायक हंगामा करने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते तो वोटिंग करवाइए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के माता पिता का जंगल राज याद दिलाया, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला तो क्या हुआ था बिहार में जी, क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था? नीतीश कुमार ने कहा कि लालू राज में आए दिन हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते रहते थे। ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ये भी कहा कि उन्होंने महागठबंधन से नाता क्यों तोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव दोनों ही गठबंधन की जड़ें खोदने में लगे हुए थे। और नीतीश की माने तो उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधर साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि आरजेडी के मंत्री अपने मंत्रालयों से भारी कमाई कर रही थी, और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं, अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। अच्छा, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच। नीतीश ने कहा कि अब वो उन सारे मंत्रालयों की जांच कराएंगे जिनमें आरजेडी के मंत्री थे।
नीतीश कुमार से पहले विश्वास मत पर चर्चा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। पूरे भाषण में उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। तेजस्वी यादव ने एक तरह से नीतीश कुमार पर सीरियल अटैक किया और सबसे पहले उन्होंने नीतीश के बार बार पाला बदलने पर तंज किया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। इसके बाद तेजस्वी ने पीएम मोदी का नाम लेकर बीजेपी पर हमला किया। मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना राजा दशरथ से कर डाली। तेजस्वी ने कहा कि राजा दशरथ की तरह नीतीश कुमार की भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन इस मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है, इसकी जानकारी हासिल करने की नसीहत भी दे डाली। दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन केकई जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। नौकरी पार्टी जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन केकई को भी पहचानिए कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके साथ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को उनका वादा याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में वो अकेले बीजेपी को रोकेगी। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, वो नीतीश कुमार की तरह इधर उधर नहीं भागते। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ 17 महीने की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रोजगार को बताया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि लोगों को नौकरी कहां से देंगे। और तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार इसे असंभव बताते थे। 2020 के चुनाव में क्या कहा था, झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, असंभव है। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो थके हुए मुख्यमंत्री थे, उन्हें काम पर लगाने का काम उन्होंने किया। 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम। लेकिन तेजस्वी ने अपने भाषण के आखिर में नीतीश कुमार को एक बड़ा संकेत दे ही दिया। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहिए, कभी कोई बात होगा भी अगर कोई बात हो तो हम हाजिर है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर भी तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार वोटों के लिए भारत रत्न की डील कर रही है। आप लोग भगवान और सम्मान का ऐलान दरअसल सौदेबाजी है। हम आप लोग को वोट मिलेगा, डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछड़ों को आरक्षण देने की वजह से जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, कौन हटाया और आप कहां बैठ गए। तेजस्वी यादव ने मांग की कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग करें। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से कर्पूरी ठाकुर के पूरे परिवार ने मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न दिए जाने को लेकर खुशी जाहिर की। भारत रत्न की घोषणा की गई तो बहुत खुशी हुई है, पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव मिठाइयां बांटी। उद्घाटन से पहले यूएई के भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर में उद्घाटन से जुड़ी तैयारियां की जा रही हैं।
पुणे के आसमान में मच्छरों का बवंडर देखा गया। शहर में इतने ज्यादा मच्छर हो गए कि उन्होंने मिलकर एक साथ कई झुंड बना लिए। लोगों ने प्रशासन से मच्छरों पर लगाम लगाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन में देर रात एक घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चियां जिंदा जल गईं। बताया गया कि लकड़ी के घर में आग इतनी जल्दी फैली कि बच्चों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया, जिनमें से 7 देर रात देश वापस लौट आए हैं। कतर में सभी 8 पूर्व नौसैनिक जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जिन्हें कतर सरकार ने कल रिहा कर दिया। देर रात जब देश के 7 पूर्व नौसैनिक कतर से दिल्ली एयरपोर्ट लौटे तो उनके चेहरे पर ठहराव और तसल्ली का भाव था। एयरपोर्ट से बाहर आकर पूर्व अधिकारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर से लौटे पूर्व नौसैनिकों ने पीएम मोदी का शुक्रिया किया और कहा कि पीएम मोदी नहीं होते तो वो अपने देश कभी नहीं लौट पाते। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ऐसा लग रहा था मानो इस दिन का इन सभी को लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन उम्मीद नहीं बंद रही थी। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पहले फांसी और फिर उम्र कैद की सजा से निकलकर ये सब अपने देश में खड़े हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। पूर्व नौसैनिकों ने कहा कि अगर पीएम मोदी कतर के अमीर से बातचीत ना करते तो आज का दिन कभी नहीं आता। कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वतन वापसी को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। पहले फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हुई और फिर सीधे रिहाई मिल गई, जिसके बारे में खुद नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को भी खबर नहीं थी। लेकिन किसी दूसरे देश में फांसी की सजा से बचाकर अपने पूर्व नौसैनिकों को देश वापस लाना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसे सुनिश्चित करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के कतर के अमीर के साथ व्यक्तिगत संबंध इस जीत के पीछे की बड़ी वजह है। जहां कूटनीतिक मोर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला, तो वहीं पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए नाजुक बातचीत पीएम मोदी की सलाह पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने की। एनएसए डोवाल ने इस दौरान कतर की राजधानी दोहा की कई गुप्त यात्राएं की, ताकि कतर के शासक इस मामले में भारत के पक्ष को समझ पाए। हालांकि 8 पूर्व नौसैनिकों में एक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अभी कतर से भारत नहीं लौटे हैं। हालांकि उनके घरवालों ने उनकी रिहाई की पुष्टि करते हुए बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द ही भारत लौटेंगे। एक तरफ कतर में पूर्व नौसैनिकों पर मुकदमा चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार अपनी कूटनीति पर काम कर रही थी। इसी कूटनीति के तहत अगस्त 2023 में खाड़ी देशों की अच्छी समझ रखने वाले विपुल को कतर में राजदूत बनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारे निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से ही दिए गए। इसके साथ ही सरकार ने कतर में कानूनी मामले देख रही कंपनी को बदल दिया और कतर की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता अपनाया। साइलेंट डिप्लोमेसी के तहत एनएसए अजीत डोवाल और भारतीय वार्ताकारों ने कतर के अमीर के करीबियों से संपर्क किया, क्योंकि अदालत से मिली फांसी की सजा को सिर्फ और सिर्फ कतर के अमीर ही पलट सकते थे, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की सीधी मुलाकात की रणनीति बनाई गई। और दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान 1 दिसंबर 2023 को दोनों नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात तय हुई। इस दौरान भारत में पहले DGGI यानी GST इंटेलिजेंस निदेशालय और फिर ईडी ने कतर एयरवेज को टैक्स मामलों से जुड़े नोटिस दिए। कतर एयरवेज को अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस दिया गया। इन नोटिस की वजह से ही कतर सरकार पर भारत के साथ नरम रवैया अपनाने का दबाव बढ़ा। इतना ही नहीं, रिहाई से कुछ दिन पहले ही 6 फरवरी को गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भारत ने कतर के साथ $78 अरब की गैस डील की। इस समझौते के तहत भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो मोदी सरकार ने 8 भारतीयों की रिहाई के लिए कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक गोटियां भी सही से सेट की थी। कतर के जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 8 नौसैनिकों को ये खबर तक नहीं मिली थी कि वो रिहा होने वाले हैं, लेकिन फांसी की सजा के ऐलान के बाद से ही भारत सरकार उनकी रिहाई कराने में जुटी हुई थी।
और कामयाब भी हुई। कतर की सरकार ने सजायाफ्ता 8 पूर्व नौ सैनिकों को रिहा कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और कूटनीति का लोहा मनवा दिया। मौत की सजा और उम्र कैद को रिहाई में बदलना अब से कुछ महीनों पहले तक नामुमकिन था, लेकिन इस मामले में पीएम मोदी के निजी दखल ने ये साफ कर दिया कि सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों के हित और अधिकार के लिए कितनी गंभीर है। उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कतर सरकार के फैसले का स्वागत किया। Extremely gratified about it and appreciate deeply the gesture of the Emir of Qatar for the release and continue to work on the return of the 8th international. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि 8वें पूर्व नौसैनिक की देश वापसी के लिए भी सरकार कतर के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी खुद कतर में सजायाफ्ता पूर्व नौसैनिकों से जुड़े पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे थे। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बीते साल अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत और कतर सरकार ने इन आरोपों का आधिकारिक खुलासा नहीं किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कतर में रह रहे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। ये सभी कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया। 8 भारतीयों पर साल 2023 के मार्च में जासूसी के आरोप तय किए गए और 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुनाई गई। पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत ने अपील की थी, जिस पर 20 और 23 नवंबर को कतर की कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई हुई। फिर 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिला। 7 दिसंबर को एक बार फिर कतर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद 28 दिसंबर 2023 को कतर की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मिली मौत की सजा को बदल दिया। कतर में मिली कूटनीतिक कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद यानी 14 फरवरी को कतर जाएंगे और वहां के अमीर से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल यूएई के लिए रवाना हो रहे हैं। 14 फरवरी को वो अबू धाबी में पहले भारतीय मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये हिंदू मंदिर शेख जायद हाईवे पर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से चल रहा था, जो अब पूरा हो गया है और उद्घाटन के बाद मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर जाएंगे। अबू धाबी में यह पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका निर्माण बीएपीएस संस्था के द्वारा कराया गया है और इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इस वक्त मैं अबू धाबी के इसी हिंदू मंदिर के परिसर में मौजूद हूं, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को होना है और नागर शैली में यह मंदिर बनकर इस वक्त तैयार है। सबसे पहले आपको इस मंदिर के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, खास तस्वीरें हैं और इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको राम मंदिर की झलक भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी, क्योंकि अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक जिस तरह से सनातन का सूर्योदय हो रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि यह मंदिर काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसके बाद से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में और इसके साथ ही साथ जिनकी आस्था है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आने वाले हैं और खासतौर पर जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके लिए एक ऐसा ये धार्मिक स्थल बनकर तैयार है, जहाँ पर आध्यात्मिकता के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति है उसका झलक भी मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से राज्यपाल ने मुलाकात की। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में स्थानीय महिलाएं टीएमसी नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। कांग्रेस से निष्कासन के बाद प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। नेतृत्व को अयोग्य करार देते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या। महाराष्ट्र में जल्द ही मराठा आरक्षण दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा के विदेश सत्र में आरक्षण पर प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आयोग के सर्वे रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जाएगी।
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा रोकने की याचिका पर हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। अब अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। वहीं पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी की है, जिसको लेकर एक बार फिर ये डर सताने लगा है कि क्या दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार पुलिस पहले से ज्यादा तैयार है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया गया है ताकि कोई भी अंदर न दाखिल हो पाए। इसके अलावा जो कटीली तारे हैं, उसकी एक बाड़ जो है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है। दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर्स पर किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने की पूरी तैयारी है, जिसके लिए 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए सबसे ज्यादा हलचल सिंधू और टीकरी बॉर्डर पर देखने को मिली। यहाँ पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। चूंकि पिछली बार 2020 में जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो सिंगू और टीकरी बॉर्डर से ही हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हुए थे और यह आंदोलन करीब 1.5 साल तक चला था, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी हुई थी। इसलिए प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए इस बार पहले से ही सिंगू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और करीब 3,000 से ज्यादा जवान सिंगू बॉर्डर के आसपास तैनात किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार जो स्पेशल ब्रांच और हरियाणा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उससे संपर्क में है, ताकि किसानों की का मूवमेंट है कहां कहां पर पहुंचे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कुछ ऐसा ही हाल टीकरी बॉर्डर का भी है। क्रेन के अलावा जेसीबी को यहां तैनात किया गया है। वहीं बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन से भी किसानों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था किस तरीके से किसान उग्र हो गए थे और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसी मद्देनजर इस बार दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पहले से कर रखी है। अगर किसान पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए। हालांकि पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और फिर 16 फरवरी को पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। दरअसल किसान सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग कर रहे हैं। उनकी सरकार से दूसरी मांग है कि किसानों और मजदूरों के लिए सरकार संपूर्ण कर्ज माफी योजना लेकर आए। वहीं देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करने की किसान मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण करने से पहले उनकी लिखित सहमति ले और जमीन के बदले उन्हें कलेक्टर दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। किसान लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी किसानों ने सरकार से मांग की है। दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 1 जैसे हालात ना बने, इसलिए सरकार लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए है। केंद्र सरकार के कई कद्दावर मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म कराने की तैयारी है। हालांकि सरकार के साथ चल रही बातचीत के बीच किसानों का जत्था पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें हरियाणा में ही रोकने की तैयारी की है, जिसके लिए पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बॉर्डर पूरी तरह सील कर दी गई है। वहीं लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें हरियाणा में घुसने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि पिछली बार किसानों के आंदोलन में घुसे शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया था। इसलिए पहले जैसे हालात ना देखने को मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह जो है पूरी तैयारी की गई है कि कोई भी शरारती तत्व किसी तरह से भी कहीं से घुसकर जो है वो वायलेंस का माहौल क्रिएट ना करे। हालांकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की तरफ से की गई सख्ती पर पंजाब सरकार ने कड़ा एतराज जताया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर को भारत पाकिस्तान बॉर्डर ना बनाने की सलाह दी है। इंडिया ते पंजाब दा बॉर्डर ना बनाओ, बॉर्डर बनाता हूं ओनी तारा इधर लगी है खब्बे पासे पाकिस्तान जान नू, ओनी इधर लगी है दिल्ली जान नू।
पाकिस्तान में सरकार किसकी बनेगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई भी पार्टी बहुमत के लिए 134 का जादू आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई है। इसलिए अब जोड़ तोड़ और गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश तेज हो गई है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने रविवार रात लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। शरीफ के साथ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता साथ थे। बताया जा रहा है कि अभी दोनों पार्टियों के बीच कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। पीपीपी ने बयान जारी करते हुए कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद कोई फैसला होगा। ये भी बताया जा रहा है कि पीपीपी इस बार बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि बिलावल भुट्टो को गठबंधन सरकार में शरीफ ब्रदर्स के माथहत मंत्री पद पर रहकर नहीं काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री पद से कम पर उन्हें गठबंधन नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन से जीते निर्दलीय पाला बदलकर नवाज शरीफ के साथ जाने लगे हैं। उनमें से एक सांसद है वसीम कादिर, जिन्होंने इमरान की पार्टी के समर्थन से लाहौर से चुनाव जीता, लेकिन नतीजों के ऐलान के बाद उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन में शामिल होने का ऐलान किया। कादिर को पंजाब प्रांत में इमरान की पार्टी पीटीआई का बड़ा नेता माना जाता है। इमरान के समर्थित एक विजयी निर्दलीय शाहनवाज जादून ने आरोप लगाया है कि विरोधी उन पर इमरान खान का साथ छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इमरान खान की पार्टी ने निर्दलियों को पीटीआई से जुड़े रखने के लिए जीते हुए सभी उम्मीदवारों से वफादार बने रहने के लिए शपथ पत्र भरवाया है। पीटीआई के अध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि जो लोग पाला बदलते हैं उन्हें आवाम माफ नहीं करती है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 97 सीटें जीती हैं, लेकिन अब वो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का कहना है कि वो इमरान खान के बगैर सरकार बनाने को तैयार नहीं है। पार्टी के चेयरमैन गौहर अली खान ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो ना तो पीएमएलएन और ना ही पीपीपी के साथ सरकार बनाने में सहज हैं। पीटीआई का दावा है कि उनके पास बहुमत है, अगर उसका सम्मान नहीं किया गया तो वो विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। खान के मुताबिक नेशनल असेंबली की 70 सीटों के नतीजे विवादित हैं, जिनकी चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। उनका आरोप है कि पीटीआई के उम्मीदवार 2/3 बहुमत से जीत रहे थे, लेकिन नतीजों में हेराफेरी की गई, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कराची में इमरान खान के समर्थकों ने सिंध चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इमरान के समर्थकों का आरोप है कि काउंटिंग सेंटर पर जमकर धांधली हुई है। फॉर्म 45 में जो नतीजे रात को दिखाए गए वो सुबह बदल दिए गए। इमरान के समर्थकों का आरोप है कि नतीजों में देरी ही इसलिए हुई क्योंकि अंदर खाने नतीजों की धांधली हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों अपनी कमजोर याददाश्त की वजह से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले उनको डिमेंशिया टेस्ट देना पड़ सकता है। ये एक तरह से उनकी याददाश्त का परीक्षण होगा, जिसमें 81 साल के बाइडेन से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। 10 मिनट के इस टेस्ट में उनको कई जानवरों की पहचान करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही पेपर पर घड़ी बनाने और अंग्रेजी के अक्षर पढ़ने और पहचानने के लिए कहा जा सकता है। 10 मिनट तक चलने वाला ये डिमेंशिया टेस्ट 30 अंकों का होता है, जिसमें 26 या उससे ज्यादा अंक मिलने पर व्यक्ति की याददाश्त को सामान्य माना जाता है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप को भी डिमेंशिया टेस्ट देना पड़ा था और तब उनको 30 में से 30 अंक मिले थे। बीते कुछ दिनों से बाइडेन की भुलक्कड़ी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। ऐसे ही एक वीडियो में वो आतंकवादी संगठन हमास का नाम भूल गए, तो दूसरे वीडियो में मिस्र के राष्ट्रपति अलसीसी को मेक्सिको का राष्ट्रपति बता बैठे। खबर ये भी है कि अगर बाइडेन डिमेंशिया टेस्ट में नाकाम रहे तो उनकी उम्मीदवारी खारिज भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेटिक पार्टी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को उम्मीदवार बना सकती है। मिलिंद देवरा के इस्तीफा के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को अपना इस्तीफा भेजा और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने विधायक की पद से भी इस्तीफा दिया और जब मीडिया के सामने आए तो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा था? कोई मजबूरी की, कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा।
अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वो 10 से 12 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि वो बीजेपी से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। अगर आप श्रीलंका या मॉरिशस घूमने जाने वाले हैं, अब आपको कैश या कार्ड की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि अब आप वहां यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। दोनों देशों में यूपीआई सुविधा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल प्रोग्राम में की, जिसमें मॉरिशस और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। यूपीआई सुविधा शुरू होने के बाद भारतीय टूरिस्ट श्रीलंका और मॉरिशस में उससे खरीदारी और भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई एक पेमेंट गेटवे है, जिसके जरिए रुपयों का रियल टाइम लेन देन होता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी को भी तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकता है। यूपीआई के साथ ही दोनों देशों में रुपे कार्ड सर्विस भी लॉन्च की गई है, जिसकी मदद से अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी रुपे कार्ड से लेन देन हो सकेगा। बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार लगातार यूपीआई के दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। फ्रांस, सिंगापुर और यूएई समेत कई देशों में यूपीआई से लेन देन शुरू भी हो चुका है। जनवरी में भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी जयपुर में यूपीआई के जरिए खरीदारी की थी। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 24 घंटे के अंदर 25 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पकड़े गए दंगाइयों की संख्या 30 हो गई, जिसमें एक नामजद आरोपी था, जबकि बाकियों को सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान के बाद दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। इन 25 लोगों में थाने में पथराव के 12 आरोपी, थाने की गाड़ी चलाने के 6 आरोपी और नगर निगम की तरफ से दर्ज कराए गए केस के 7 आरोपी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में हमारे द्वारा 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पहले 5 गिरफ्तारी हो रही है, तो इस प्रकरण में अब तक टोटल 30 गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 अवैध तमंचे और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए। इनमें वो सरकारी कारतूस भी शामिल हैं जो आरोपियों ने थाने से लूटे थे। तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे, जो कंट्री मेड वेपन होता है, वो बरामद किया, और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने और भी कई सरकारी हथियारों को लूटा था, जिनके बरामदगी की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ही आज अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अयोध्या पहुंचे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करने पहुंच गए। हालांकि इस दौरान दोनों मुख्यमंत्री गाड़ी में अंदर ही बैठे रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल और भगवंत मान मंदिर के अंदर पहुंचे और परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर का बनना पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है। दुनिया में बढ़ते प्रदूषण का बुरा असर इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों और कीट पतंगों पर भी पड़ रहा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की ताजा रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से फूलों की खुशबू तितलियों और भंवरों तक नहीं पहुंच पा रही है। फूलों की खुशबू हवा में मौजूद रासायनिक तत्वों से रिएक्शन करके एक अलग गंध पैदा कर रही है, जिसे भंवरे, मधुमक्खियां और तितलियां पहचान ही नहीं पा रहे हैं और फूलों से दूर हो रहे हैं। कीट पतंगे और मधुमक्खियां फूलों के रंग, उनकी चमक से आकर्षित होते हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह से फूलों की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी है। रिसर्च में बताया गया है कि पहले जब प्रदूषण नहीं था, तब फूलों की खुशबू दूर तक जाती थी, लेकिन अब प्रदूषण बढ़ने की वजह से फूलों की खुशबू दूर तक नहीं जा पाती है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया के कई शहरों में फूलों की महक का दायरा 75% से ज्यादा सिमट गया है। Z News.